फ्रेंड्स, आज हम आपका जो थर्ड लेसन है उसका पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। ओके, तो आज आवर चेंजिंग अर्थ, तो कल हमने एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात की थी, ठीक है। तो वो एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब जो अंदर से बनती है, अर्थक्वेक, वोल्केनो और माउंटेन एक्टिविटी जो होती है वो एंडोजेनिक फोर्सेस होती है, और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती है वो रिवर वाटर के अलावा ग्लेशियर, विंड्स, इन सब से जो है सरफेस पे जो नई नई जो है टोपोग्राफी बनती है, नए नए टाइप के आकार बनते हैं, वो एक्सोजेनिक फोर्सेस से होते हैं। मतलब कि बाहरी शक्तियाँ एक्सोजेनिक फोर्सेस और इंडोजेनिक फोर्सेस मतलब आंतरिक शक्तियाँ। तो कल हमने इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, अर्थक्वेक और वोल्केनो के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज हम एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। एक्सोजेनिक फोर्सेस से क्या क्या चीजें बनती हैं उनके बारे में। एक्सोजेनिक फोर्सेस का मतलब बाहरी शक्तियां। तो उन एक्सोजेनिक फोर्सेस से क्या क्या बन जाता है वो एक बोर्ड पे दिखाया हुआ डायग्राम आप देखिए। रिवर जो कि एक्सोजेनिक फोर्स में काम करती है, रिवर जो कि बाहरी शक्तियों में काम करती है, तो रिवर वॉटरफॉल बनाती है। तो देखिए रिवर क्या बनाती है, वॉटरफॉल। तो वॉटरफॉल हार्ड रॉक्स पे बनता है। देखो रॉक्स कई टाइप की होती है, इसमें हार्ड रॉक्स भी दिखाई गई है ये ऊपर वाली, और सॉफ्ट रॉक्स भी दिखाई गई है। जो व्हाइट दिखाई दे रही है वो सॉफ्ट रॉक्स है, और जो व्हाइट नहीं है वो क्या है, हार्ड रॉक्स है। तो हार्ड रॉक्स के ऊपर से जो है वॉटरफॉल आता है, हार्ड रॉक्स के ऊपर से रिवर का वॉटरफॉल ऊपर से गिरता है, ऊपर से रिवर का वॉटर है नीचे की तरफ गिरता है, तो वो क्या बन जाता है, वॉटरफॉल, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा वॉटरफॉल देखो नीचे लिखा हुआ है, सबसे बड़ा वॉटरफॉल जो है दुनिया का, हाईएस्ट वॉटरफॉल इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंचाई का वॉटरफॉल जो है वो एंजल फॉल है, लिखा हुआ है एंजल फॉल इन साउथ अमेरिका में ये है। कौन सा फॉल है, एंजल फॉल है, ठीक है। मतलब कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट वॉटरफॉल माना जाता है ये, ओके। तो याद रह जाएगा आपको एनटीएससी के क्वेश्चन में, बेटा मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं ये, कि हाईएस्ट वॉटरफॉल इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा वॉटरफॉल कौन सा है, एंजल फॉल वेनेजुएला साउथ अमेरिका, एंजल फॉल वेनेजुएला कंट्री, और वेनेजुएला कंट्री कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका में है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वॉटरफॉल माना जाता है, ओके। उसके बाद जो वॉटरफॉल आते हैं वो विक्टोरिया फॉल भी है, देखो उसी के साइड ऊपर भी लिखा हुआ है, देखो बोर्ड पे उसके ऊपर लिखा हुआ है विक्टोरिया फॉल कहाँ है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे बॉर्डर पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये विक्टोरिया वॉटरफॉल भी सबसे फेमस है। और एक और वॉटरफॉल है नियाग्रा फॉल, कौन सा है, नियाग्रा फॉल, देखो नीचे की साइड लिखा हुआ है, कनाडा और यूएसए बॉर्डर पर। तीन वॉटरफॉल दुनिया में सबसे फेमस है, सबसे पहला वॉटरफॉल, हाईएस्ट वॉटरफॉल इन द वर्ल्ड, एंजल फॉल वेनेजुएला अमेरिका, कौन सा है, एंजल फॉल वेनेजुएला कंट्री साउथ अमेरिका। दूसरे वाला कौन है, विक्टोरिया फॉल जाम्बिया जिम्बाब्वे, सबसे फेमस वॉटरफॉल है वो। उसके बाद भी अगला वाला कौन सा, नियाग्रा फॉल कनाडा यूएसए बॉर्डर पर, नियाग्रा फॉल। ये कितने अच्छे बड़े बड़े फॉल वाटरफॉल बनते हैं, तो रिवर बनाती है उसे वाटरफॉल, और जब वाटरफॉल बनता है तो वो सॉफ्ट रॉक को काट देता है, वाटरफॉल हार्ड रॉक्स को नहीं काट पाता और सॉफ्ट रॉक को काटता है। जैसे कि जहां से वाटरफॉल नीचे गिरेगा तो नीचे बहुत बड़ा खड्डा बनाएगा वो, जहां पानी ऊपर से हार्ड रॉक से ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, जहां पर पानी लास्ट में नीचे पहुंचेगा वहां पर एक बहुत बड़ा खड्डा बनाएगा, ठीक है, और उस खड्डे को सॉफ्ट रॉक कहते हैं। देखो सॉफ्ट रॉक को वो काट देगा, ठीक है, इस तरह से वॉटरफॉल बनता है। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, इसके अंदर वॉटरफॉल दिखाया गया है, हार्ड रॉक्स भी है और सॉफ्ट रॉक्स भी है, तो वॉटरफॉल सिर्फ सॉफ्ट रॉक्स को काट सकता है, ठीक है। और वॉटरफॉल इरोजन का काम भी करता है, और वॉटरफॉल बाद में डिपोजिशन का काम भी करता है, जब रिवर बहती हुई आगे पहुंचती है तो डिपोजिशन भी वो करती है, मतलब कि जमाना। रिवर का मेन काम होता है काटना, सॉफ्ट रॉक को काटना और फिर कहीं पे उसको जमा कर देना, डिपोजिशन कर देना, ये रिवर का मेन वर्क होता है, रिवर का मेन वर्क। तो देखिए रिवर का मेन वर्क क्या क्या होता है, एक तो वॉटरफॉल रिवर का मेन वर्क होता है, दूसरा देखिए दूसरा डायग्राम, वर्क ऑफ रिवर फ्लड प्लेन, दूसरा वर्क ऑफ रिवर है फ्लड प्लेन, मैदान बनाना, ठीक है, मतलब कि बाढ़ के मैदान बनाना। तो देखिए यहाँ पर बाढ़ का मैदान कैसे बनाती है, देखो ऐसे घूमती हुई रिवर आती है, घूमती हुई,
सांप की तरह स्नेक की तरह बल खाती हुई रिवर आती है और उससे मिनांडर बनते हैं। मिनांडर कैसे बनते हैं? जब वो रिवर घूमती हुई आती है। रिवर घूमती क्यों है? क्योंकि आसपास ऊंची नीची चट्टानें होती हैं, आसपास ऊंची नीची अर्थ सरफेस होती है। जो धरती का धरातल होता है कहीं पर नीचाई में होता है, कहीं पर ऊंचाई में होता है, और कहीं पर हार्ड होता है और कहीं पर सॉफ्ट होता है। तो ऊंचा नीचा धरातल और जो है हार्ड और सॉफ्ट रॉक की वजह से वो इधर उधर घूमती हुई चलती है। जहां पर सॉफ्ट रॉक आती है वहां पर घूम जाएगी, जहां पर हार्ड रॉक्स आएगी उधर घूम जाएगी। मतलब ये हार्ड रॉक्स को काट नहीं पाएगी, सॉफ्ट रॉक्स को यानी कि जो मिट्टी होती है उसको वो काट देगी। तो उससे क्या बनेंगे? मिनांडर। उससे क्या बनेंगे? मिनांडर बनेंगे। और जब मिनांडर से कट ऑफ हो जाता है पानी तो उससे ऑक्सबो लेक बनेगी, घोड़े के खुर जैसी, ऑक्स मतलब बैल के खुर जैसी लेक भी बन जाएगी। मिनांडर पहले बनेंगे और मिनांडर बाद में जब बनना बंद होगा तो ऑक्सबो लेक भी बन जाएगी। ऑक्सबो लेक मिनांडर से ही तैयार होती है, ऑक्सबो लेक मिनांडर से ही तैयार होती है, रिवर उसे तैयार करती है। मिनांडर का मतलब घूमती हुई धर, घूमती हुई रिवर, घूमती हुई रिवर जो आकार बनाती है, घूमती हुई रिवर को आकृति। थर्ड वाली जो शेप है इसमें क्या दिखाया हुआ है? वर्क ऑफ रिवर में डेल्टा, कैसे डेल्टा बनाती है, कैसे रिवर डेल्टा बनाती है। तो देखो मेन रिवर जहां से नदी बह के आ रही है और आगे वो पंख पक्षी के यानी कि बर्ड के पंख की तरह फैल जाती है। देखो कैसे फैल गई, तो जो फैल जाती है आगे अलग अलग हिस्सों में वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। देखो नीचे लिखा हुआ भी है डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी ठीक है लिखा हुआ है। तो रिवर मेन रिवर जब आगे फैल जाएगी और वहां पर मिट्टी बिछाएगी ट्रायंगल शेप में तब डेल्टा बनेगा। रिवर बहती हुई अपने साथ मिट्टी बहाकर लाएगी और आगे ट्रायंगल शेप में हाथ के पंजे जैसी, देखो बिल्कुल हाथ का हमारा जो पंजा होता है वैसे रिवर, हाथ जैसे ऊपर से हाथ हमारा है, हैंड है, और उसके बाद आगे ये हैंड इसको रिवर मान लेते हैं हम, मेन रिवर, और आगे फिर ये अलग अलग छोटी छोटी नालियों में छोटे छोटे रिवर में कनेक्ट टूट जाएगी। वो छोटे छोटे रिवर क्या कहलाएंगे? ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरीज, उनको डिस्ट्रीब्यूटरी भी कहेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटरी में कनेक्ट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाएंगी। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाएंगी। तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होंगी? रिवर्स जो बाद में एक रिवर से अलग अलग टूटकर अलग हुई है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से जो फॉर्म होता है शेप, इस तरह की जो शेप फॉर्म होती है उसको डेल्टा कहते हैं हम। क्या कहते हैं? डेल्टा। उसको क्या कहते हैं? डेल्टा। ये नदी के बाढ़ के मैदान होते हैं जो ट्राइंगल शेप में बनते हैं। तो नदी का पहला काम वॉटरफॉल बनाना, नदी का दूसरा काम मिनांडर बनाना और ऑक्सबो लेक बनाना, नदी का रिवर का तीसरा वर्क है फिर डेल्टा बनाना। तो तीन वर्क होते हैं रिवर के। ठीक है, मेनली दो वर्क होते हैं, या तो गैदरिंग करेगी मतलब कि काट छाट करेगी, इरोजन करेगी, या फिर क्या करेगी वो, या फिर क्या करेगी? डिपोजिशन। इरोजनल वर्क करेगी मतलब काट छाट का काम करेगी, और डिपोजिशन मिट्टी को जमा करने का काम करेगी, और उससे इस तरह की शेप बनेगी। डेल्टा की शेप बनेगी, मिनांडर की शेप बनेगी, ऑक्सबो लेक की शेप बन जाएगी और वॉटरफॉल बन जाएगा। इस तरह से रिवर का अलग अलग, रिवर जब वर्क करती है तो अलग अलग शेप बनती है। ठीक है, अब अगली वाला है सी वेव्स। अगला वाला पॉइंट है हमारा सी वेव्स। देखो सी वेव्स मैंने दिखा रखी है यहाँ पे, सी वेव्स, सी वेव समुद्र की लहरें। समुद्र की लहरें जब कहीं पर आती हैं तो चट्टानों को काटती हैं। समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची आती है तो काटती है चट्टानों को, सॉफ्ट रॉक को काटेंगी। हार्ड रॉक्स को तो पानी भी नहीं काट पाता, ना रिवर काट पाती है, ना विंड्स काट पाती हैं, और ना ही सी वेव्स, समुद्र की लहरें भी हार्ड रॉक्स को नहीं काट पाएंगी। तो जहां पर सॉफ्ट रॉक्स होगी, जैसे नीचे वाला देखो ये रॉक्स बना रखे मैंने, इसमें नीचे की तरफ सॉफ्ट रॉक्स थी जिसको काट दिया पानी ने, और क्या बना दी? सी आर्च। और क्या बना दिया? सी आर्च। नीचे की सॉफ्ट रॉक को रिवर ने, जो सी वेव्स ने, समुद्र की लहरों ने काट दिया, उसी तरह से सी केव भी बनाई उसने। देखो एक रॉक्स को काटा तो सी केव बनाई, समुद्र की गुफाएं, और एक को काटा तो सी आर्च बनाया। ठीक है, और एक जगह पर काटा है तो स्टैक बन गया। समुद्र की लहरें जो है वो समुद्र के एरिए में स्टैक भी बनाएगी, स्टैक मतलब ऊंची ऊंची खड़ी चट्टाने, और सी आर्च बनाएंगी मतलब कि आर पार पानी निकलेगा। नीचे से उन्होंने छेद कर दिया चट्टान में, सॉफ्ट रॉक को छेद कर दिया, आर पार पानी निकल जाएगा, और हार्ड रॉक जो वो खड़ी खड़ी रह जाएगी, हार्ड रॉक्स खड़ी की खड़ी रह जाएगी, और नीचे की सॉफ्ट रॉक को काट के पानी आर पार हो जाएगा।
तो इससे क्या बनेंगे सी आर्च, ऐसी आकृति क्या बनेगी सी आर्च। और इसके अलावा सी केव्स, सी केव्स पानी अंदर तक सॉफ्ट रॉक को काट देगा। कौन सी रॉक कटेगी? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी कि जो पत्थर होता है, चूने का पत्थर होता है, वो कट जाता है, वो पानी में मिक्स हो जाता है। और वहां पर क्या बताएंगी सी केव्स और सी आर्च, वो बन जाएगा वहां पर, ठीक है, ये सब बन जाते हैं। तो ये रिवर का वर्क होता है, ठीक है। अब रिवर वर्क देखो, उधर साइड में लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है वेदरिंग और इरोजन काम करती है, वेदरिंग और इरोजन होता है, देखो साइड में लिखा हुआ, बिल्कुल आप देख सकते हैं साइड में, मैं दिखाऊं, टू प्रोसेस होते हैं मेजर लैंडफॉर्म में, एक तो होता है वेदरिंग यानी कि चट्टानों का काट छांट करना, और इरोजन करना। और इरोजन वेदरिंग का मतलब होता है टूटना चट्टानों का, ब्रेकिंग अप द रॉक्स, जब चट्टाने टूटती हैं तो उसे वेदरिंग कहते हैं। क्यों टूटती है चट्टाने, चट्टाने क्यों टूटती है, क्योंकि चट्टाने सन रेज से अब्सॉर्ब करके, सन रेज को अब्सॉर्ब करके फैल जाती है दिन में, और रात में फिर सिकुड़ जाती है, दिन में फैल जाती है और रात में सिकुड़ जाती है, फिर उसे टूट जाती है। बार बार फैलना और बार बार सिकुड़ने से चट्टाने टूट जाती है, अपनी जगह पर टूट जाती है, जहां पर कोई चट्टान बनी हुई वहीं पर वो टूट जाएगी, ठीक है बेटा। होता है चट्टानों का टूटना, अपने ही जगह पर टूटकर बिखर जाना, अपने ही जगह पर टूटकर बिखर जाना, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानें टूटकर बिखर जाएंगी। इरोजन, इरोजन का मतलब है, इरोजन का मतलब है टॉप सोइल का वहां से हट जाना, टॉप सोइल का वहां से रिमूव हो जाना। वियरिंग अवे द लैंडस्केप, वियरिंग अवे मतलब कि लैंडस्केप ऊपर की चट्टानों का बिखर जाना, दूर चले जाना। ओके, बाय डिफरेंट एजेंट, अलग अलग एजेंट्स के थ्रू ऊपर की सोयल जो बह के कहीं और चली जाएगी, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू और आइस के थ्रू। वाटर पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, और बर्फ, जब बर्फ की नदी यानी कि बर्फ पिघल के चलती तो नदी बनती है, तब वो क्या करती है, ट्रांसपोर्टेड वर्क भी करती है, ट्रांसपोर्टेशन भी और डिपोजिशन वर्क भी करती है, ट्रांसपोर्टेशन भी करती है और डिपोजिशन भी करती है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन मतलब मिट्टी को बहा के ले जाना कहीं पर भी, और डिपोजिशन मतलब मिट्टी को जमा कर देना। तो वेदरिंग वर्क में चट्टानों का टूटना, इरोजन मतलब टॉप सोइल का वहां से हट जाना। और अब देखिए वाटरफॉल क्या होता है, मैंने अभी बताया वाटरफॉल कौन सबसे बड़ा, कौन सा, एंजल फॉल, उससे फिर विक्टोरिया फॉल, और उसके बाद नियाग्रा फॉल, ठीक है, नियाग्रा फॉल। तो वाटरफॉल क्या होता है, स्टीप एंगल पे रिवर टेम्बल करती है, नीचे गिरती है। रिवर टेम्बल का मतलब रिवर नीचे गिरना, रिवर के पानी का नीचे गिरना, ऊपर तेज ढाल से, हार्ड रॉक से नीचे की तरफ पानी गिरना। तो वो क्या होता है, स्टीप एंगल मतलब खड़े ढाल से पानी का नीचे गिरना, तो उसको क्या कहते हैं, वाटरफॉल बनता है उससे। मिनांडर क्या होता है, रिवर घूमती है बार बार, ट्विस्ट करती है, बार 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 मुड़ती है, तो उससे क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, रिवर ट्विस्ट करती है और टर्न करती है, तो उसको क्या होता है, उससे मिनांडर बनते हैं। तो रिवर जब मिनांडर बनाती है तो इरोजन वर्क भी कर रही होती है और डिपोजिशन वर्क भी कर रही होती है। जब भी रिवर मिनांडर बनाएगी तो रिवर क्या करेगी, डिपोजिशन वर्क भी करेगी, इरोजन वर्क भी। इरोजन वर्क क्या होता है, कुरचना, मिट्टी का कुरचना, इरोजन वर्क। और डिपोजिशन क्या होता है, मिट्टी को जमा करना। ओके, ऑक्सपोलेक कैसे बनती है, मिनांडर से। मिनांडर का जब वो घुमाव होता है, लूप का मतलब घुमाव, मिनांडर का जब घुमाव कट ऑफ हो जाता है रिवर से, तब ऑक्सपोलेक बनती है। देखो लिखा हुआ है मिनांडर लूप कट ऑफ फ्रॉम रिवर, ठीक है। दो तरीके से बनते हैं, वेदरिंग और इरोजन वर्क होता है। वेदरिंग मतलब कि रॉक्स फॉर्मेशन, रॉक्स क्या होते हैं, टूट जाती हैं। रॉक्स क्यों टूटती हैं अपनी जगह पर, रॉक्स टूटती हैं जब सन रेज को अब्सॉर्ब करती हैं। रॉक्स तब टूटती हैं जब सन रेज को अब्सॉर्ब करती हैं, दिन में अब्सॉर्ब करती है तो फैल जाती है, क्योंकि रॉक्स के अंदर मिनरल होते हैं, ठीक है। और जो, ठीक है, चट्टानों का टूट जाना। ओके, इरोजन, इरोजन मतलब कि जब लैंडस्केप, लैंडस्केप उस जगह से यानी कि जो मिट्टी होती है वो वहाँ से बह जाती है, तो वो क्या होती है, वो इरोजन होता है, वो इरोजन होता है। इरोजन विंड और जो है आइस, विंड से होता है, ठीक है। अगला है वाटरफॉल, ये क्या है, स्टीप एंगल से जब रिवर फ्लो करती है, रिवर एंगल से, स्टीप एंगल से जब फ्लो करती है, जिसको रिवर टेम्बल्स बोलते हैं, तो उससे वाटरफॉल बनता है। वर्ल्ड का सबसे फेमस वाटरफॉल है, सबसे बड़ा, हाईएस्ट, एंजल फॉल, ठीक है, एंजल फॉल वेनेजुएला। ओके, दूसरा जो सबसे फेमस है वो विक्टोरिया फॉल जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ओके, और थर्ड वाला मैंने बताया नियाग्रा फॉल कनाडा, यूएसए में है। ओके, उसके बाद देखिए मिनांडर, मिनांडर कैसे बनते हैं, रिवर ट्विस्ट करती है बार बार, ठीक है, ट्विस्ट करती है, टर्न,
ट्विस्ट एंड टर्न, बार बार ट्विस्ट एंड टर्न होगा तो मिनांडर बनेगा। ओके और इरोजन और डिपोजिशन वर्क भी होता है, बार बार इरोजन और डिपोजिशन वर्क भी रिवर करती है। ओक को लेक उसी मिनांडर से बनेगी। जब मिनांडर के अंदर लूप्स जो होते हैं, लूप्स मतलब कि घुमाओ, लूप का मतलब घुमाओ, रिवर्स के जो लूप्स बनते हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे, बार बार वो कट ऑफ हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो कट ऑफ होने से क्या बनेगी, ओक्स बो लेक बनेगी। कट ऑफ होने से ऑक्स बो लेक बनेगी। ओके उसके बाद देखिए फ्लूड प्लेन, बाढ़ के मैदान, रिवर फ्लूड प्लेन भी बनाती है। जैसे मैंने अभी आपको डेल्टा बनाया था, अभी मैंने ट्राइंगल शेप में जो डेल्टा बताया था वो क्या है, बाढ़ के मैदान है। डिपॉजिट लेयर्स, लेयर ऑफ फाइन सोयल, मतलब कि जो अच्छी मिट्टी होती है उसको, फर्टिलिटी वाली जो सोयल होती है उसके, उससे प्लेन एरिया बनता है, मैदान बनते हैं। ओके और लिवीज, एक लिवीज भी यहाँ पर है, रेज बैंक्स और रिवर बाय फ्लड इन द रिवर। ठीक है, एक रिवर जो होती है उसके जब किनारे बढ़ने लगते हैं, जब बाढ़ बनती है तो उसके किनारे बढ़ जाते हैं तो उसको लिवीज बोलते हैं। दोबारा देखिए, रेज बैंक्स ऑफ रिवर, मतलब रिवर बैंक्स का बढ़ जाना बाय फ्लड, मतलब कि बाढ़ आने से। ओके अब देखिए इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक्स, मेजर्ड बाई सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट से, सिस्मोग्राफ मशीन होती है उससे हम मेजर करते हैं उसको, उसका पता लगाते हैं अर्थक्वेक का। ठीक है, तो अर्थक्वेक में मैग्नीट्यूड को मापा जाता है। मैग्नीट्यूड जो होता है अर्थक्वेक जब बनता है, आपको कल हमने बताया था फोकस और एपिसेंटर, तो फोकस से जब मैग्नीट्यूड बन के आगे बढ़ता है, रेज बनती है बार बार, तो वो रेज से क्या होता है, उस रेज को सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट से उससे मेजर किया जाता है। सिस्मोग्राफ एक मशीन होती है जिससे अर्थक्वेक की जो जो स्पीड होती है वो मापी जाती है। कितनी होती है, रिक्टर स्केल पे स्पीड मापी जाती है, कितना, 0 से 12। रिक्टर स्केल जो कि सिस्मोग्राफ पे स्केल बना होता है उस पे 0 से 12 के बीच में, 0 से 12 के बीच में मेजर किया जाता है अर्थक्वेक को। ओके 2.0 स्केल के जो अर्थक्वेक है वो रोजाना आते हैं, उनसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान होता है अर्थक्वेक जब 5.0 स्केल का आएगा। 5.0 स्केल का जब आएगा तब डैमेज ज़्यादा होने लग जाएगा, डैमेज शुरू हो जाएगा। 6 का जो रिक्टर स्केल पे जो आएगा वो हायर मैग्नीट्यूड का होता है, हायर मैग्नीट्यूड यानी कि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, और 7 का स्केल जो है बहुत बड़ा अर्थक्वेक माना जाएगा। तो स्केल कितने, 0 से 12 होते हैं, और उस स्केल को किस स्केल पे मापते हैं, रिचर स्केल पे, RICHTER, रिचर स्केल पे उसे मापते हैं। और जो स्केल होता है वो कौन सी मशीन पे होता है, सिस्मोग्राफ पे। ठीक है, तो ये रिचर स्केल पे इसको मापा जाता है। अगर अर्थक्वेक आता है तो आप कैसे बचेंगे, आपको कैसे बचाया जाएगा, तो सेफ स्पॉट ढूंढिए सबसे पहले। जब भी अर्थक्वेक किसी जगह पर आता है तो आपको सेफ स्पॉट पे चला जाना चाहिए, जैसे कि किचन काउंटर, किचन काउंटर के नीचे छुप जाना चाहिए, टेबल वगैरह के नीचे, डेस्क वगैरह, कॉर्नर वॉल वगैरह, इन सब पे आप छुप जाते हो तो आप अर्थक्वेक से बच सकते हो, भूकंप से बचा जा सकता है। ठीक है, ओके दूसरा पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम, आपको इस जगह से दूर रहना चाहिए, किस जगह से, फायर प्लेस, जहाँ पर आग लगने का खतरा हो, किचन वगैरह से दूर हो जाना चाहिए। विंडो मतलब कि जो खिड़की होती है उसमें, खिड़की वगैरह जो होती है उससे दूर रहना, जिसके अंदर ग्लास लगे हुए हैं, सीसी लगे हुए, वहाँ पर आपको दूर चले जाना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को तैयार रखें। बी अवेयरनेस, मतलब कि आपको अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों के बीच में, भूकंप के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, सबको जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, फैमिली और फ्रेंड्स को, तो बचा जा सकता है। तो अर्थक्वेक से बचाव के बहुत सारे उपाय हैं। कल हमने भुज के बारे में बताया था, गुजरात का जो भुज एरिया उसके बारे में हमने डिसीजन किया था कि कितनी बुरी तरह से स्कूल के बच्चे और टीचर्स कितनी बुरी तरह से मारे गए थे, बहुत बुरी नुकसान हुआ था वहाँ पर, जो है क्या गया था बहुत बड़े लेवल पे, 26 जनवरी को 2001 में जो भूकंप आया था गुजरात के भुज एरिया में, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो आज के लेसन में हमने पढ़ा कि मेजर लैंडफॉर्म्स रिवर की वजह से क्या बनते हैं, वाटरफॉल, फ्लूड प्लेन यानी कि मिनांडर वगैरह, ऑक्सबो लेक वगैरह, वर्क ऑफ रिवर, ठीक है, ये सब ट्राइंगल शेप में डेल्टा बनता है वो, और वर्क ऑफ सी वेव्स, सी वेव्स से सी आर्क और सी वेव्स बनती है। ठीक है, वो हमने सीखा आज। हमने ये भी बताया कि मेजर लैंडफॉर्म में वेदरिंग, इरोजन, वाटरफॉल, मिनांडर, ऑक्सबो लेक और फ्लूड प्लेन कैसे बनते हैं, और दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल फॉल जो कि वेनेजुएला साउथ अमेरिका में, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और अर्थक्वेक से बचा कैसे जाए, रिचर स्केल क्या होता है, सिस्मोग्राफ पे रिचर स्केल होता है 0 से 12
का स्केल होता है ये, तो उससे उसपे कैसे अर्थक्वेक को मापा जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।